एक और बड़ी खबर है कोरोना को लेकर ही, अंजलि आपको बताए। जी हाँ, और अहम जानकारी यह है कि कोरोना संक्रमित हुए लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। थोड़ा गंभीर बीमार होने से भी दिमाग पर हो रहा है असर, ये स्टडी में पता चला है। कोरोना संक्रमित रहे लोगों के दिमाग के हिस्से सिकुड़ रहे हैं। दिमाग के लिम्बिक कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस और टेम्पोरल लोब सिकुड़ रहे हैं। दिमाग के इन हिस्सों से गंध, स्वाद, याददाश्त, भावनाएं कंट्रोल होती हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, अब तीसरी लहर का खतरा है। और इसी बीच डेल्टा वेरिएंट को लेकर हर कोई परेशान है, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है। डेल्टा प्लस, यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं तीसरी लहर की वजह ना बने डेल्टा प्लस। और इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दिन ब दिन बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताने वाले अमेरिका ने डेल्टा वेरिएंट को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। डेल्टा वेरिएंट की जहां तक हम बात करें, ट्विटर पर भी लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। और इसको लेकर अब ये बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने भी इसको बता दिया है कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ये फैलता है, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। तो अमेरिका ने भी डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कह दिया है कि जिस तरीके से ये फैलता है, ये सबसे बड़ा खतरा है, बहुत तेजी से फैलता है।